भयंकर ऐलान 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत वर्ष में मोदी सरकार बंद करने जा रही है ये 4 बड़ी वस्तुएं। जी हाँ भाई बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत वर्ष में इस 4 बड़ी वस्तुओं के, आपके काम की चीजों को, आपके रोजमर्रा की वस्तुओं को पूरी तरीके से भारत सरकार बंद करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आज की वीडियो आपके जिंदगी में काफी ज्यादा असर डाल सकता है। दोस्तों आपने बहुत सारे न्यूज तो देखे होंगे, लेकिन आप 2 मिनट का समय निकाल के आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। भले ही आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, वीडियो लाइक करने के लिए नहीं मैं ही बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी पूरे देश भर में इस 4 बड़ी वस्तुओं को भारत सरकार बंद करने जा रही है। पहली बड़ी खबर निकल कर रही है कि जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत वर्ष में प्लास्टिक पे भारत सरकार बैन लगाने जा रही है। जी हाँ, अगर आपके घर में भी प्लास्टिक का उपयोग होता है या अगर आप भी कहीं प्लास्टिक का उपयोग करके उसे फेंक देते हैं, तो आपको मैं बता दूं, अब आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 1 जनवरी 2020 से पूरे देश भर में भारत सरकार प्लास्टिक पे बैन लगाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 जनवरी 2020 से पूरे देश भर में प्लास्टिक पे बैन लगाया जाएगा। आप किसी भी तरह का प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लास्टिक से काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, साथ ही पॉल्यूशन से यहाँ पे काफी लोगों की यहाँ पे तबीयत पे भी असर पड़ सकता है, और काफी यहाँ पे जो पशु पक्षी जानवर है जो कि नालों में नदियों में रहते हैं, उनके जीवन पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। साथ ही 1 जनवरी 2020 से पूरे देश भर में अब नहीं पी पाएंगे शराब। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत वर्ष में शराब को बैन किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत वर्ष में शराब पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अब आपको शराब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शराब बंद हो जाने से आप ही के जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, और इससे काफी ज्यादा देश में शांति का माहौल आएगा, खुशी का माहौल आएगा, और जो लोग भी दारू छोड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए पे नशा मुक्ति केंद्र भी मोदी सरकार ओपन कर दी है, भारत सरकार ओपन कर दी है। तो आप लोग अगर भारत सरकार के इस कारनामे से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार कमेंट में जय मोदी मोदी, जय हिंद मोदी लिखते चलिएगा आप लोग कमेंट में। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर निकल कर रही है शराब को लेकर, साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर रही है सिम को लेकर। जी हाँ, अगर आपके पास भी जियो, वोडाफोन आइडिया या एयरटेल किसी भी कंपनी का सिम है, तो अभी इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बड़ी खबर निकल कर रही है। 1 जनवरी 2020 से आइडिया और वोडाफोन हो सकते हैं पूरी तरीके से बंद। क्या है बड़ी खबर, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आइडिया और वोडाफोन के मालिक कुमार मंगलम बिरला ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद 1 जनवरी 2020 से आइडिया और वोडाफोन का सिम पूरी तरीके से भारत में हो सकता है बंद। दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार हमें आर्थिक सहायता नहीं करती है तो हम लोग पूरी तरीके से इस सिम को भारत में बैन कर देंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर से बहुत बड़ी ऐलान आ चुका है। तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं, आपके पास किस कंपनी का सिम है। साथ ही अभी यहां पे महिलाओं को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। 1 जनवरी 2020 से महिलाओं का नहीं बन पाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, अगर अभी महिला है, अगर अभी ड्राइविंग लाइसेंस अपना खुद का बनवाना चाहती है, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपको RTO ऑफिस में बुलाया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने को, आपको गाड़ी चला के दिखाने के लिए, तो आप वहां पे जैसे वहां पे जींस पहन के जाइएगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी से नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों से हमारी टीम की विनम्र निवेदन है कि आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जैसे वहां पे ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप RTO ऑफिस जींस पहन कर ना जाए। तो मेरे प्यारे मित्र देशवासियों, आज के कुछ इंडिया न्यूज ये बड़ी खबर जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।